एक खिलाड़ी, उसी के साथ यहाँ पर फाइट ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है बॉटम लेन पर। आज इसकी चीज यहाँ पर स्लो ग्रो एंड पिकाचू आपको देखने को मिल जाएंगे। डेलफॉक्स यहाँ पर अभी के लिए सपोर्ट नहीं दे पा रहे बॉट के लिए। क्रिस्टल को भी यहाँ पे काफी अच्छा डैमेज दिया गया बट अभी के लिए तो क्रिस्टल यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से टीम लू के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं। आप सॉल को यहाँ पे बहुत लो करेंगे एंड वाइप आउट भी करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है कि टीम ब्लू की तरफ से एक पॉइंट का भी स्कोर ना आए और मेरी एक सरेंडर भी आता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो यार लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर आप सॉल की बात करें टीम ब्लू लेवल 7 पर रीच हो चुके हैं, लेवल 8 हो चुके हैं, तो अपनी टीम से एक और बेहतरीन मूव आएगा। फिलहाल के लिए पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज करके छोड़ देगा। आप सॉल यहाँ पे बुशेज में हाइड रहने वाले हैं एंड यहाँ पर ड्रैगनॉ फिलहाल के लिए टीम ऑरेंज के द्वारा फार्म किया जा रहा है। टीम ऑरेंज के आप सॉल टीम ब्लू के आप सॉल को वाइप आउट कर सकते हैं बट क्रिस्टल यहाँ पे आ चुके हैं। स्टील करने का चांस यहाँ पे क्रिस्टल का काफी अच्छा रहने वाला है। काफी ज्यादा लो यहाँ पे ब्लास्टर्स को करेंगे एंड यहाँ वाइप आउट भी करते नजर आ जाएंगे हेल्पबॉक्स के द्वारा एंड इसी के साथ साथ रॉटम भी साथ साथ अभी के लिए डॉमिनेशन बहुत बढ़िया। स्कोर थोड़ा बहुत जरूर आया टीम ब्लू की तरफ से, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी जीरो यहाँ पर जो स्कोर आते हुए नजर आएंगे बट जी नहीं, 18 का स्कोर यहाँ पे डालने का मैंने जरूर से करा है बट यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है लीड देखने को मिले टीम ऑरेंज की। गोल की तरफ बढ़ते हुए बॉटम लेन पे सेकेंड गोल भी यहाँ पे ब्रेक करना चाह रहे हैं टीम का गोल जेलबॉक्स के द्वारा को वाइप आउट कर एंड उसके साथ जो है पॉइंट स्कोर करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे फाइनल स्ट्रेच तो अभी स्टार्ट अभी नहीं हुआ है तो समझ सकते हैं जिस हिसाब से डॉमिनेशन देखने को मिल रहा है सारे गोल्स यहाँ पर अभी टूट चुके हैं। टीम ब्लू के मीनवाइल टीम ऑरेंज अभी तक एक भी अपना गोल नहीं गवाई है एंड इसके साथ फाइनली यहाँ पे यूनाइटेड देखने को मिलेगा। पहला खेल आपसॉल को जाएगा टीम ब्लू के, दूसरा भी खेल टीम ब्लू के आपसॉल को जाता हुआ लेकिन इसके अलावा तीसरा भी खेल यहाँ पे क्रिस्टल का जाता हुआ नजर आ जाएगा। तीन प्लेयर सभी टीम ऑरेंज प्लेयर हो चुके बट यहाँ पे डेलफॉक्स तक मिलता हुआ एंड बहुत ही बढ़िया गेम प्ले के साथ यहाँ पर अभी के लिए टीम ब्लू बैकफुट पे जाती हुई नजर आ जाएगी। कमबैक की काफी अच्छी कोशिश दो ट्रेनर्स होने के बावजूद भी बट अभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा इनका सर्वाइवल। आप सॉल यहाँ पे जा सकते अभी के लिए कोशिश जरूर से कर रहे हैं पूरी 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 फाइट करने की। ट्रेनर यहाँ पे पुलिस की अभी के लिए रोकने की कोशिश करते हुए स्टिल लेवल 12 है एंड टीम ऑरेंज में यहाँ पर दो खिलाड़ी ऑलरेडी मैक्स आउट कर चुके लेवल पर। 100 का एक गोल डेलफॉक्स के द्वारा आएगा, 100 का गोल एक एवरेंट पड़ेंगे खिलाड़ी। आप सॉल को काफी लो किया जाएगा, ड्रैगनाइट के द्वारा वाइप आउट भी किया गया है, ब्लिसी को भी काफी लो किया गया एंड वाइप आउट किया जा सकता है बट अभी देर भी बच्चे किया। फाइनली सिंडरेस के द्वारा इन्हें भी वाइप आउट करा जाएगा। 26 का गोल ड्रैगनाइट के द्वारा आते नजर आ जाएगा, 5 का गोल सिंडरेस के द्वारा आते नजर आ जाएगा। हम यहां पे वापस आ चुके हैं, ड्रैगनाइट भी वापस आ चुके हैं, ब्लिसी सुपर लो राइट है उनको टेकआउट किया जा सकता है या किया जाएगा अभी आप सॉल के द्वारा। ड्रैगनाइट भी काफी लो है उनको भी सिंडरेस के द्वारा यहाँ पर 30 प्लेयर्स टीम ब्लू से बॉटम पे बढ़ते हुए लेकिन 20 का फार्म ऑलरेडी यहाँ पे टीम ऑरेंज कैप्चर लेके जा चुके हैं। उनकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे एक गोल जरूर से तोड़ना चाह रही है टीम ब्लू टीम ऑरेंज का बट टीम खिलाड़ी टीम ऑरेंज बट टीम ब्लू के यहाँ पे हो पाएंगे अपना यूनाइट मूव करेंगे बट उनको इंस्टेंटली यहाँ पे ड्रैगनाइट की तरफ वाइपर किया जाएगा। मार्शल टीम ब्लू के यहाँ पर रोटेट जरूर करेंगे इसी के साथ टूपा को भी उन्होंने वाइपर किया है। आफ्टर टीम ब्लू के यहाँ पे ब्लिसी को जरूर से इनकी तरफ से देखने को मिलने वाला है। टीम ब्लू के यहाँ पे वाइपर करते हुए नजर आ जाएंगे एंड बहुत ही बढ़िया
देखने को मिल रहा है। टीम ऑरेंज दे आर स्टिल दिस रॉटन को लेकर जा पाएंगे यानी कि एक स्टील आएगा। जी हाँ, टीम ऑरेंज की तरफ से स्टील आएगा। इस ऑब्जेक्टिव को भी टीम ऑरेंज अपने नाम करती नजर आ जाएगी। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव के मामले में जहाँ पर काफी आगे रहने वाली आउट ऑफ फोर नहीं आएगी, इसी को यहाँ पे काफी इजीली वाइप आउट किया जा सकता है बॉटम लेन पर। तो देखते हैं कैसा रहेगा उनका गेम प्ले। इसके साथ साथ यहाँ पर अभी भी जो है लीड टीम ऑरेंज के पास है, डोमिनेशन टीम ऑरेंज अभी भी जो है पर जैप फाइट जीतने के चांसेस थोड़े बहुत टीम होंगे मुझे नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अभी के लिए टीम ऑरेंज ड्रैगनाइट यहाँ पर ब्लिसी को वाइप आउट करते नजर आ रही है। टीम ब्लू के ड्रैगनाइट यहाँ पर और सही टाइम पर अपने एरिया से निकल गए। उसके साथ साथ टीम ऑरेंज के टीम ब्लू के ड्रैगनाइट बहुत ही बढ़िया गेम प्ले दिखाते हुए सिंड्रेस को दोबारा से वाइप आउट करेंगे। अभी के लिए फॉल बैक करते नजर काफी रिजल्ट हुए, ब्लिसी से थोड़ा बहुत इनको यहाँ पे यूज किया जाएगा। टीम ऑरेंज अभी के लिए टॉप लेन की तरफ होल्ड कर रही है, टाइगर से स्टील करने की कोशिश करने वाली है टीम ऑरेंज, बिकॉज देनो लेवल का एडवांटेज है। यहाँ पे ड्रैगनाइट की तरफ स्टील किया भी जाएगा इस आप दोस्तों, एंड अब आके यहाँ पर आगे बढ़ने नाम करते हुए नजर आ सकते हैं। बट अभी भी टीम ब्लू कैन विन दिस फाइट, बिकॉज यहाँ पर उनकी तरफ भी पॉइंट एयर्स एनर्जी काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। टॉप का गोल यहाँ पे जो है टीम ब्लू का तोड़ दिया जाएगा। टीम ऑरेंज का भी यहाँ पे जो है अभी के लिए भी अपना यूनाइट मूव भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहने वाला इनके लिए जीत पाना। एंड जी हाँ, ड्रैगनाइट अभी के लिए फॉल बैक कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर मालूम नहीं है टीम ऑरेंज को क्यों यहाँ पे लीड में नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्रेसिव